उनके लिए 27,000 करोड़ की योजना लेकर आए, ढेर सारे काम। एक गरीब समाज के लिए अगर किसी ने कहे है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किए। मित्रों, अखिलेश बाबू है ना, एक चश्मा पहनते हैं मेरी तरफ, उसमें दो ग्लास है, एक ग्लास में दे उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती, जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता, और दूसरे कांच में एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें ना आप आते हो ना मैं आता हूं। अगर साइकिल की सरकार आई तो आपका भला होगा क्या बताओ भाई? कभी किया है साइकिल ने? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास ये करकर सभी समाजों का भला करने का, हमने कभी नहीं देखा कि गरीबों के घर किस जाति के बन रहे, किसके घर में बिजली जा रही है, किसके घर में शौचालय जा रहा है, किसके घर में सस्ता अनाज जा रहा है, हमने कभी नहीं देखा। हमने यही देखा ये गरीब है, इसकी जात और धर्म देखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया भाइयों, कभी नहीं। मुझे बताओ, सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला कोरोना में राज्य कौन सा है मालूम है आपको? जोर से बोलो, कौन? सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला कौन? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा हरी मटर उत्पादन करने वाला कौन? सबसे ज्यादा गन्ना पकाने वाला कौन? सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला कौन? ये सब में पहला नंबर आ गया ये 5 ही साल में। अखिलेश के समय में किस चीज में पहले थे भाई? मैं बताऊं, डकैती में नंबर एक थे, खून बलात्कार और अपहरण में नंबर एक थे। इसकी जगह आलू पकाने में, आंवला पकाने में, हरी मटर बना पकाने में, दूध उत्पादन करने में, गन्ना पकाने में और चीनी बनाने में नंबर एक बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ, हमने 10 नए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाए, 51 नए कॉलेज बनाए, 79 नए कॉलेजों के बिल्डिंग बनाए, 30 नई मेडिकल कॉलेज बनाई, 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम, ये सारा एक 5 साल में किया है अखिलेश बाबू। सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल एक और, हमारे 5 साल एक और। हमारा माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा